नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू. एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसका एक एल्टीट्यूड है एडी, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. शो दैट एडी बाइसेक्ट्स बीसी एंड एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए. ये हमें प्रूफ करना है. क्वेश्चन नंबर टू, गिवन क्या है? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. गिवन एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एबी इज इक्वल टू एसी. टू प्रूफ एडी बाइसेक्ट्स बीसी. एडी बाइसेक्ट्स बीसी एंड एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए. ये हमें प्रूफ करना है. अब हम ट्रायंगल्स लेते हैं. इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी. अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, एबी इज इक्वल टू एसी हमें गिवन है. एबी इज इक्वल टू एसी गिवन. एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? एडी इज एल्टीट्यूड ऑन बीसी, परपेंडिकुलर है, मींस एंगल 90 डिग्री होगा. थर्ड जो एक चीज है कॉमन आ रही है, डेट इज एडी. एडी साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है बाय आरएचएस कांग्रेस रूल. एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है एबी और एसी, और एक साइड है एडी. तो बाय आरएचएस कांग्रेस रूल ट्रायंगल एबीडी कांग्रेंट ट्रायंगल एसीडी. अगर अब ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे. अगर ट्रायंगल एबीडी की साइड ली बीडी और दूसरी की साइड ली बीडीसी, बाय सीपीसीटी इक्वल होंगी. अगर बीडी और डीसी इक्वल हैं, इट मींस एडी बाइसेक्ट्स बीसी, बीसी को बाइसेक्ट करता है. अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, साइड्स भी इक्वल होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, तो एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल डीएसी, ये भी बाय सीपीसीटी. अब एंगल बीएडी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सीएडी, द डीएसी दिस एंगल. अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इट मीन एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए. जो एडी है वो दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंगल ए को. क्लियर? क्या गिवन है हमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल एबी इज इक्वल टू एसी. दोनों ट्रायंगल्स लिए हमने. एडी हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो एंगल है 90 डिग्री. एडी साइड कॉमन है, तो बाय आरएचएस कांग्रेस रूल दोनों ट्रायंगल्स कांग्रेंट है. अगर कोई दो ट्रायंगल्स कांग्रेंट है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे. इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ली बीडी और डीसी. अगर ये दोनों इक्वल है, इट मीन एडी बाइसेक्ट्स बीसी. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बीएडी इज इक्वल टू सीएडी या डीएसी, ये इक्वल है, तो इट मीन्स एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए. यही हमें प्रूफ करना है. नोट कीजिए,